देखिए, मसूड़ों दांतों की बहुत समस्या नहीं होती है। सारी समस्या अगर कुल मिला के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे वो सारी समस्या ले देखे इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल सकते हैं कि मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, फंगस होंगे, जो कि नेचुरल बात है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस पूरे एनवायरमेंट में है, आपके नाक के ऊपर भी है, आँखें के ऊपर भी है, नाक के अंदर भी है, मुँह के अंदर भी है। लेकिन जब हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी, इसे कहते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी, हमारे मुंह के अंदर की इम्यूनिटी, जो लार वगैरह है, वो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। जब उसकी तादाद बढ़ जाती है तो यहाँ पे फिर घाव होने लगते हैं, मसूड़ों में घाव होने लगते हैं, जिससे मसूड़ों में कभी कभी ब्लीडिंग होती है और कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी सूजन हो जाता है, और फिर जो क्योंकि मसूड़े ही दांत को पकड़ के रखते हैं तो दांत फिर हिलने लगते हैं, फिर वही इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो दांत को खाने लगते हैं। तो ये सारी इसकी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है। तो मसूड़े इन्फेक्शियस हो जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी, उनमें ब्लीडिंग आने लगेगी, उनको दर्द होने लगेगा, दांतों को दर्द होने लगेगा, सेंसिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दांतों को खाने लगते हैं वही वाले बैक्टीरिया, वही वाले वायरस, वो अटैक करते हैं तो धीरे धीरे वो अंदर तक, जड़ तक पहुंच जाते हैं, जड़ तक पहुंच जाते हैं तो जड़ में, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, तो फिर वो सेंस, कोई भी चीज़ आप खाते पीते हैं तो उसका सेंसेशन, ठंडा, ज़्यादा गर्म, वो सेंसेशन आपको डिस्कम्फर्ट देती है, आपको पेन देती है एक तरह से, जिससे आपका ब्रेन आपको बताता है कि भाई आपका जो मुँह का मामला है वो ठीक नहीं है। तो ले दे के सिंप्लीफाई तरीके से सोचें तो यही है जिसे आप बोल सकते हैं मुंह की, दांतों की ओरल डिजीज़। देखिए, समस्या क्यों होती है? सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी जब कमज़ोर पड़ जाए। तो अब बात आती है म्यूकोसल इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे पड़ती है। वो कमज़ोर पड़ने के लिए आप खुद ही उस पर रेस्पॉन्सिबल हैं। पहली बात तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो इस तरह के बैक्टीरिया, फंगस के ग्रोथ के लिए फूड की तरह काम करती है, तो उस तरह के खाने को आप कम से कम खाएं, जैसे रिफाइंड फूड है, राइट, जैसे बिस्किट है, टॉफ़ी है, या फिर मिठाई है, या एनिमल प्रोटीन है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, आइसक्रीम है, या दही, लस्सी, मक्खन घी, या चाय बार बार जो लोग पीते हैं, तो चाय तो पी लिया लेकिन उसका एक अंश मुँह में रह गया, रह गई, और वो जो है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, उनका, उनके लिए दोज आर द फूड, राइट। और इस तरह की चीज़ें, ऑल काइंड ऑफ पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, ऑल काइंड ऑफ एनिमल फूड, ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, इनको अगर आप छोड़ दें तो म्यूकोसल इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ी रहेगी, नंबर वन। नंबर टू कि आप जब रात को सोते हैं, मुंह से कुल्ला करना कई बार काफ़ी नहीं होता, तो तब इस तरह के जो बैक्टीरिया को बढ़ावा देने वाले जो फूड है, जो आपने खा लिया लेकिन मुंह में रह ही जाता है कुल्ला करने के बाद भी, तो एक बार आपको ब्रश करके सोइए। आप दो काम कर कीजिए, अपने लिए खुद टूथ पाउडर बनाइए, नंबर वन। कैसे बनाएंगे? आप नमक लीजिए और हल्दी लीजिए इक्वल पोर्शन में, और फिटकरी का पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और उसको लेके अपने हाथ से या ब्रश में लगा के आप ब्रश कीजिए रात को सोने से पहले। तो ये आपका घर में होम मेड टूथ पाउडर बन गया, होम मेड माउथ सोल्यूशन हो गया। तो ये रात को कीजिए और सुबह भी एक बार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं भाई, फिर भी इसमें लौंग भी आपको कूट के इसमें मिला सकते हैं, तो ये एक फ्लेवर भी आ जाएगा, आपको अच्छी खुशबू भी आएगी। या फिर रात को आप इससे कीजिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सुबह आप कोई आयुर्वेदिक जैसे वीको वैजयंती जो पाउडर होता है या टूथपेस्ट होता है उसको यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप अपने डेंटल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। तो दो ही बातें हैं, कुछ फूड जिसको छोड़ना है, और दूसरा क्लीनलीनेस, नॉट विद अ केमिकल बट विद होम मेड टूथ पाउडर और आयुर्वेदिक टूथ पाउडर। देखिए, सोल्यूशन तो उसी का होगा जो बीमार पड़ गया है, राइट। मान लो किसी को गम प्रॉब्लम है, जिसे पायरिया बोलते हैं, वो है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, या सूजन हो रहा है, या दांतों में दर्द हो रहा है, या दांत हिल रहे हों। तो देखिए, दांत हिल रहे हैं, दो चीज़ हो सकती है, या तो दांत हिलते 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 अपने आप ही वो टूट के निकल जाएगा, जो कि कई बार पेनफुल भी होता है, छोटे बच्चों के केस में नहीं होता, वो नेचुरल तरीके से निकलता है, बड़े लोगों के जो 18 ईयर्स के ऊपर हैं उनको होगा दर्द, और वो पेनफुल भी होता है, या फिर वो जो हिल रहा है जड़ें दोबारा उसको, दांत को पकड़ लेगी और फिर वो दांत पहले जैसे ही हो जाएगा। दो ही चीज़ हो सकता है, लेकिन जिस तरह का डाइट एंड लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादा स्वाभाविक है कि वो हिलना बढ़ता रहेगा, पेन बढ़ता रहेगा, और अल्टीमेटली वो दांत टूट के गिर जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं वो हिलने वाला दांत अगर बहुत नहीं हिल रहा है तो वो आपकी मसूड़ें उसको पकड़ लेंगी, बशर्ते कि आप मसूड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। तो चाहे पायरिया हो, चाहे चबाने में दिक्कत हो, चबाते हैं तो दर्द हो,
राइट, चाहे खून आता हो, ब्लीडिंग आती हो, चाहे कोई सूजन हो, तो या फिर कोई ब्रेथ में दिक्कत हो, सांस जब लेते हैं तो ये सांसों में बदबू हो, ये सारी चीज़ें हो, राइट। तो इसमें सोल्यूशन ये है फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए। वैसे तो 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन 5 दिन और लीजिए, 15 दिन के लिए यू हैव टू बी ऑन अ डाइट विच शुड बी एब्सोल्युटली रॉ। किस तरह से? बड़े ही सिंपल, DIP डाइट आपको पता ही है, तो DIP डाइट माइनस Plate 2, जो कुक फूड सेक्शन है वो हटा दें DIP डाइट से, और बाकी DIP डाइट। और अगर दांतों में दर्द वगैरह है तो जो ब्रेकफास्ट में फ्रूट ब्रेकफास्ट था वो फ्रूट स्मूदी ब्रेकफास्ट हो गया, यानी कि उसको मिक्सी में डाला, ब्लेंडर में डाला, उसका स्मूदी बना दिया। लंच में जो वेजिटेबल लंच था उसको वेजिटेबल स्मूदी बना दिया, उसको भी मिक्सी में डाला, थोड़ा पानी ऐड कर दिया तो ब्लेंड करके उस स्मूदी बन गया। डिनर में भी वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल ही था Plate 1 में, उसको भी आपने मिक्सी में डाला, वो भी स्मूदी बन गया। कभी कभी सूप भी बना लिया, हालांकि स्मूदी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने DIP डाइट माइनस Plate 2, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर दर्द ज़्यादा है, चबा नहीं सकते तो चबाइए मत ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती जब चबाएंगे, दर्द होने का मतलब कि वो और ज़्यादा इंजर करेगा। तो आप DIP डाइट माइनस Plate 2, जो चीज़ें बची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनका स्मूदी बना के उतनी क्वांटिटी में या उससे अधिक क्वांटिटी में पूरे दिन भर में आप पी लीजिए, राइट। और जब पियेंगे तो आप उतना टाइम लगाइए जितना टाइम लगता अगर उसको खाना पड़ता। तो मान लो 500 ग्राम किसी को वेजिटेबल सैलेड खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, तो करीब 20-25 मिनट लगेगा। लेकिन उसका स्मूदी बना देंगे तो करीब 1.5 ग्लास स्मूदी बन जाएगा। तो 1.5 ग्लास स्मूदी कोई 5 मिनट में भी पी सकता है, लेकिन 5 मिनट में पियेंगे तो बात नहीं बनेगी। उसको धीरे 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 पीना है, 20-25 मिनट लगा के पीना है, क्योंकि जब आप पियेंगे तो वो जो वेजिटेबल्स हैं, वो जो जूस है, वो जो स्मूदी है, वो आपके पूरे मुँह में घुलेगा और आपके सलाइवा के साथ घुलेगा, उसको इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और दे विल फाइट विद द वायरस। याद रखिए, जो ग्रीन जूस होता है, जैसे पालक का जूस है, या रेड जूस होता है, जैसे चुकंदर का जूस है, या वीट ग्रास का जूस है, जैसे वीट ग्रास है, गेहूँ के ज्वारे है, या पालक है, इसका जूस जब लेंगे तो मुंह में रखिए थोड़ी देर। जैसे आपने एक घूंट लिया, मुंह में रखा करीब 5 सेकेंड, फिर उसको निकला। तो ऐसे में जहाँ जहाँ इंजरी है, जहाँ जहाँ सूजन होती है, जहाँ जहाँ लाल ब्लीडिंग हो रही है, आप ताज्जुब करेंगे कि ब्लीडिंग होना इमीडिएटली रुक जाएगा, 1-2 दिन के में आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि ये जो ग्रीन जूस है पर्टिकुलरली, एंड रेड जूस है, यानी कि टमाटर का जूस, चुकंदर का जूस, पालक का जूस, या फिर वीट ग्रास का जूस लेंगे तो करीब 50 ml से 100 ml ही लेना है, राइट। और पालक का जूस लेंगे, चुकंदर का जूस लेंगे तो करीब 250 ml 1 ग्लास लेना है, लेकिन उसको धीरे धीरे पीना है। तो ये जो जूसेस हैं, दीज आर नोन एज ग्रीन ब्लड, राइट। ये भी एक उसके जो जैसे पालक के जूस का या वीट ग्रास के जूस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ इक्वल टू ब्लड विथ स्मॉल वेरिएशन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये दवाई एक तरह से, तो इसको मुंह में कोई लोशन नहीं लगाना आपको, कोई दवाई नहीं लगानी, लेकिन ग्रीन जूस मुंह में आप ले रहे होंगे और मुंह में ही रखेंगे तो 5 सेकेंड, फिर उसको निकलेंगे, तो जहाँ जहाँ इंजरी है, जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है, जहाँ जहाँ घाव है, जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक है, उसको वो कम करता जाएगा। तो और उससे आपको इमीडिएटली 1-2 दिन, 3-4 दिन में फ़ायदा नज़र आएगा, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, आपका दर्द कम होने लगेगा। लेकिन ऐसा करना है 15 दिन तक। 15 दिन में होपफुली, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल वो बोलते हैं कि अब हमारा दर्द चला गया, ब्लीडिंग हो रही थी चला गया, सूजन चला गया। फिर मैं बोलता हूँ कि अब आप थोड़ा सा लिक्विड से सेमी लिक्विड में आ जाइए, कि जो नरम फल उसे खाना शुरू कीजिए, वेजिटेबल को थोड़ा स्टीम करके खाना शुरू कीजिए 15 दिन और। फिर मजबूत हो गया, जड़ों ने पकड़ लिया दांत को अच्छी तरह से, इन्फ्लेमेशन सारे चले गए हैं, ब्लीडिंग सारी चली गई, अब आप DIP डाइट में आ जाइए, और Plate 2 जो आपने छोड़ा हुआ था उसको भी धीरे धीरे इंक्लूड कर लीजिए और इसी डाइट पे रहिए। प्लस याद रखिए ओरल हाइजीन, जो कि आपको मैंने बोला सोने से पहले वो जो फॉर्मूला बताया, हल्दी, नमक और फिटकरी के पानी का, वो उसको कीजिए। हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। ये सिंपल सिंपल बातें आप करेंगे तो कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती।